आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए बजट पेश कर रही हैं। हर साल बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं टैक्स पेयर्स को। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकम टैक्स के अलावा एक टैक्स पेयर को कहां कहां टैक्स पे करना पड़ता है। मुख्य रूप से दो तरह के टैक्स होते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आप सीधा सरकार को जमा करते हैं। इस टैक्स की जिम्मेदारी CBDT की होती है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के अलावा कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल होता है। इस वीडियो में हम आपको इनकम टैक्स के अलावा कुछ और जरूरी डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताएंगे। वेल्थ टैक्स, ये मुख्य रूप से आपकी कमाई पर लगने वाला टैक्स होता है। ये इनकम किसी भी रूप में हो सकती है। वेल्थ टैक्स को 1951 में लागू किया गया था। अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है या किसी कंपनी की बिजनेस इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसे वेल्थ टैक्स चुकाना होगा। बजट 2015 में वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया था। उसकी जगह सुपर रिच के लिए सरचार्ज 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। फिर आता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल एसेट बेचने से होने वाली कमाई को कैपिटल गेन कहते हैं और ये टैक्सेबल होता है। जमीन, घर, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल, मशीनरी कैपिटल एसेट के अंतर्गत आते हैं। ये दो तरह का होता है। 12 महीने तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। वर्तमान में 1,00,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद 10% की दर से टैक्स भरना पड़ता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अभी 15% का टैक्स लगता है। इसके बाद है गिफ्ट टैक्स। एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। उससे ज्यादा गिफ्ट मिलने पर ये टैक्सेबल हो जाता है। इनकम टैक्स की सेक्शन 56(2)(x) के तहत गिफ्ट आइटम पर टैक्स लगता है। अगर 50,000 से ज्यादा की संपत्ति गिफ्ट में मिले तो ये टैक्सेबल है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर आपको टैक्स चुकाना होता है। डिलीवरी बेस्ड इक्विटी परचेज पर 0.10% का STT लगता है। डिलीवरी बेस्ड इक्विटी सेल पर भी 0.10% का STT लगता है। म्यूचुअल फंड के मामले में ये 0.01% है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।